कल के वीडियो से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। चैप्टर पहला ही है लेकिन यह भी काफी महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि भारत स्थिति स्थिति क्या मोटे तौर पर। दूसरी चीजें हमने चर्चा किया था कि स्थलीय सीमा के बारे में कि 15,106 बनाम 15,200 किलोमीटर। आज इस टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहेंगे और वो टॉपिक है खास जलीय सीमा के बारे में। जैसे देखेंगे आप प्रायः जो सेट प्रैक्टिस करते हैं तो सेट प्रैक्टिस में आपको दो तरह के आंकड़ा मिलता है, 6100 किलोमीटर का आंकड़ा मिलता है और साथ ही साथ मिलता है 7516.6 किलोमीटर का। ये दो आंकड़ा मिलता है लेकिन आज दोनों आंकड़ों के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले भारत के मैप को देख लिया जाए, खास करके जहाँ समुद्री सीमा है इन चीजों को जैसे देख लीजिए। ये हमने एक भारत का मैप बनाया। इस मैप में माध्यम से देखिए कौन कौन से राज्य हैं। ये भारत का मुख्य भूभाग है जिसमें एक गुजरात ये है, महाराष्ट्र है, फिर आपका गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। यानी कुल मोटे तौर पर 9 राज्य इसे टच है। पश्चिम की दिशा की ओर देखेंगे यानी पश्चिमी तटीय क्षेत्र में ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है और पूरब की ओर चलेंगे तो 4 राज्य हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो यह जो 9 राज्य जो है जो केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होगा, खासकर पुडुचेरी को देखेंगे, दमन दीव को देखेंगे, अगर इन दोनों को शामिल कर ले तो इसके साथ 6100 किलोमीटर लंबा है। जब सवाल आएगा प्रायद्वीपीय भारत, जब सवाल आएगा भारत का मुख्य समुद्री सीमा मुख्य भाग का, तो 6100 किलोमीटर होगा। लेकिन जब हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, जैसे आप सबको पता है कि पूर्व दिशा की अंडमान निकोबार है, पश्चिम दिशा की और लक्षद्वीप है, अगर इन लोग को भी शामिल कर लेते हैं तब इसकी समुद्री सीमा हो जाता 1516.6 किलोमीटर। यानी कि 1516.6 किलोमीटर में से लेकर 6100 किलोमीटर केवल भारत के दक्षिणी यानी मुख्य भूभाग का है जो 9 राज्यों का टच होती है। काफी हद तक एक सवाल आता समुद्री सीमा के बारे में भी नाम आता। यहाँ देखेंगे कि खास करके गुजरात में देखेंगे 3 नाम है, 2 चीजों को ध्यान रखें, कोंकण तट के बारे में और दूसरा है गुजरात के बारे में। गुजरात में 3 नाम है, ऊपरी पोर्शन जो गुजरात का है आप देखें यहाँ पर, ये जो पोर्शन स्पेशली यहाँ तक जो कांडा क्षेत्र आता है ये पोर्शन है कच्छ की सीमा या कच्छ का तट भी कहा जाता, और यहाँ से लेकर के ये जो पोर्शन सौराष्ट्र का ये एरिया आता है, खास करके ताप्ती नदी सूरत तक, यह जो स्पेशली है काठियावाड़ है, और यहाँ से काठियावाड़ से मतलब ये काठियावाड़ तट है, सूरत नदी से लेकर के महाराष्ट्र यानी गुजरात का कुछ पोर्शन है, फिर महाराष्ट्र है, गोवा, इसके तक है कोंकण तट है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे गुजरात में 3 नाम, कच्छ का तट, दूसरा काठियावाड़ और तीसरा जो है कोंकण का, यह कोंकण तट है 3 गुजरात में। कोंकण तट का भी देखेंगे 3 जगह, एक गुजरात भी है, दूसरा महाराष्ट्र भी, तीसरा जो है गोवा है। इसके बाद देखें कर्नाटक की समुद्री सीमा का जो नामकरण जो किया गया है वो है कन्नड़कट्टर। इसके बाद है केरल का समुद्री सीमा का जो नामकरण है वो है मालाबार। देखिए सवाल भी इसमें पूछे जाते हैं, कई सवाल जो खासकर दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में किस तट पर सबसे पहले पहुंचता है, तो पहुंचता है मालाबार तट। सेट प्रैक्टिस में आपको यही मिलेगा। लेकिन अब सवाल उसे हटा करके थोड़ा कंफ्यूजन के लिए राज्य का नाम देता है, तो या मालाबार पूछ दे या केरल पूछ दे, दोनों का आंसर एक ही होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग तमिलनाडु में देखते हैं, तो तमिलनाडु में इसका जो नाम जो है कोरोमंडल, ध्यान रखेंगे कोरोमंडल तट है। अब आंध्र प्रदेश में जब आते हैं तो आंध्र प्रदेश इसका नाम, दो नाम आता है, या तो काकीनाडा, शब्द को देखिए किस तरह लिखा हुआ है काकीनाडा, या उत्तरी सरकार, दो नाम एक साथ दिया हुआ है, उत्तरी सरकार तट नाम दिया गया। उड़ीसा में जब हम आएंगे, उड़ीसा पश्चिम बंगाल का, तो मैक्सिमम लोग इस चीज को कहते हैं उत्कल तट नाम देते हैं, लेकिन कई विद्वान इस चीजों को दो नाम करते हैं, खासकर उड़ीसा को उत्कल तट कहते हैं और पश्चिम बंगाल को तट को बंग, यानी बंगाल बंग से बंगाल हुआ तो बंग तट का नाम भी दिया जाता है। तो ये टॉपिक को तो हमने यहाँ देख लिया। इसके अलावा प्रश्न एक सवाल और पूछे जाते हैं खास करके कि सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है, तो सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात की है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश और तीसरा स्थान तमिलनाडु का आता है। तो इस 3 चीज पर सवालों पर जैसे फोकस करेंगे, लेकिन कभी कभी सवाल आ जाता है कि
गुजरात को ऑप्शंस नहीं रहता है, तब उस परिस्थिति में जब नंबर वन नहीं है तो आंसर हमारा नंबर टू यानी कि तो आंध्र प्रदेश ही माना जाता है। इसके ये टॉपिक को तो हम आज चर्चा की। इसके अलावा एक और भी है, खास कर इसके प्रयोग को लेकर के, हमारा कोस्ट गार्ड या नौसेना कहाँ है, कहाँ तक रहता है, क्या नौसेना जलीय भाग है, क्या स्थल भाग पर रहता है, नहीं, समुद्र पर एक अधिकार दिया गया, सवाल इस पर भी है। दूसरी चीजें हम सभी देखते हैं, हम लोगों को पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो तेल पेट्रोल की जो प्राप्ति होती है वो मुंबई हाई और मुंबई बसिन, जो जो स्टेशन समुद्री स्टेशन है लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में, तो आखिरकार हम वहाँ उत्पादन कर रहे हैं, अमेरिका क्यों नहीं करेगा, पाकिस्तान क्यों नहीं करेगा, उसके बारे में भी कुछ अधिकार क्षेत्र जो मिला है अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत, समझौते के तहत, उस पर हम लोग चर्चा करें। तो सबसे पहली चीज को हम लोग देखेंगे कि समुद्र की ओर जाएंगे, फिलहाल एक ही सीमा की ओर बता रहा हूं मैं, समुद्र की ओर अगर आप जाते हैं यहां से तो तीन लेयर है इसका, तो सबसे पहले पोर्शन इस रूप में आता है, ये तो कटा छटा होता है, एक ऊपरी पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ मिलाते हैं जिसको हम लोग एक जिसको हम आधार सीमा कहते हैं, जो प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं, यहाँ पर एक पोर्शन इस रूप में मान लिया जाए। इसके अलावा इससे देखेंगे एक पोर्शन दूसरा नंबर आता है, एक नंबर, दो नंबर और ये तीन नंबर, तीन नाम मिला है, तो तीन नाम में सबसे पहला जो नाम दिया गया है ये प्रादेशिक जल सीमा या आधार रेखा इसको माना गया, जो कि आपका तट से सामान्यतः तट से जो है 12 समुद्री मील समुद्री मील को हम लोग नॉटिकल मील भी कहते हैं, समुद्री मील की दूरी पर है। अंतर क्या है सामान्य मील से, आप सबको पता है 1.6 किलोमीटर बराबर एक मील होता है, लेकिन समुद्री मील या नॉटिकल मील की चर्चा करेंगे 1.8 किलोमीटर का होता है। तो इस तरह 1.8 किलोमीटर यानी कि अगर किलोमीटर के आधार पर देखा जाए तो 12 × 1.8 इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वो हमारा प्रादेशिक जल सीमा है, ठीक है। उसके आगे जो दूसरा नंबर जो दिया हुआ है, इसके आगे जो दूसरा जो दिया गया है वो दूसरा का जो नाम है वो है संलग्न क्षेत्र, कंटिजियस क्षेत्र या एरिया माना जाए संलग्न, यही हमारा समुद्री सीमा है जो कितना दूर तक है, तो प्रादेशिक आधार सीमा तो हमने दिया ही था 12 नॉटिकल मील, इसके आगे 24 यानी कुल मिला के तट से 36 समुद्री मील की दूरी पर है। 36 समुद्री मील का मतलब सीधा सीधी आप मान सकते हैं कि तट से उतना किलोमीटर की दूरी पर हमारा नौसेना रहता है, उसका सामान्यतः डिफेंसिव एक्शन जो होता है वो तट रक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड करता है, युद्ध की अवस्था में नौसेना होता है, बिना इजाजत कोई अंदर आ नहीं सकता, इससे बाहर कोई जा नहीं सकता, यानी कहने का मतलब कस्टम यहीं पर लगना शुरू होता है, यही हमारी समुद्री सीमा है, यानी कि हमारे आधार से 36 किलोमीटर दूरी पर प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील की दूरी पर है। एक चीज और बता दे कि जो कस्टम होता है वो भले ही आधार पर हम लोग लेते, मतलब ये जहाँ पर बंदरगाह है या हवाई अड्डा है वहाँ पर हम लोग लेते हैं, लेकिन वह जो है कैलकुलेट वहीं से शुरू हो जाता है कि जब संलग्न क्षेत्र में आप प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा देखेंगे तीसरा जो नाम जो है, खास करके यह जो है इसी का नाम दिया गया है, हिंदी नाम दिया गया, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, ये यूपीएससी का बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन भी रहा, पीटी में भी सवाल रहा, मेंस में भी रहा है, ईईजेड यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सवाल है। इसके ये दिया गया है कि दो से यानी कि 12 + 24 तो पहले से था ही हमारा जो अधिकार ही है मान लिया जाए, इसके अलावा 200 समुद्री मील की दूरी हमें और मिला है जिसका प्रयोग केवल दो ही कार्यों के लिए, कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है, केवल आर्थिक दोहन करना है इस पर और साथ ही साथ इसका वैज्ञानिक दोहन भी करना है। आर्थिक दोहन वैज्ञानिक दोहन का मतलब है मिसाइल का टेस्ट कर सकते हैं, कृत्रिम द्वीप बना सकते हैं, ये वैज्ञानिक दोहन है। आर्थिक दोहन का मतलब है समुद्र से मछली प्राप्त कर सकते हैं, तेल प्राप्त कर सकते हैं, खनिज प्राप्त कर सकते हैं, और जिस मुंबई हाई मुंबई बसिन की जो चर्चा होती है वो इसी चीजों की चर्चा होती है कि भाई हमारा ईईजेड के अंतर्गत है। तो
तो आप देखेंगे भारत का अगर नक्शा देखा जाए तो कितना भारत की विशेषता इस रूप में मान सकते हैं कि श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में हमें एकांतिक आर्थिक क्षेत्र इतना ज्यादा मिला दोनों क्षेत्रों की अगर देख लिया जाए कि लगभग इसका क्षेत्रफल यानी एरिया ही देखा जाए 20.2 लाख वर्ग किलोमीटर है, 20.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसके अलावा भी अन्य दावेदार नहीं है, भारत सरकार ने लगभग 1.5 दशक पहले एक और प्रस्ताव दिया है कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर अन्य क्षेत्र भी दे दिया जाए, क्योंकि भारत आधार बनाया गया, भारत की जनसंख्या ज्यादा है, भारत के पास संसाधन है जो कि उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोई अन्य दावेदार भी नहीं है, लेकिन ये अभी मिला नहीं। अगर मिल जाए तो निश्चित तौर पर भारत का जो ये जो क्षेत्र हो जाएगा यानी कि 20 से 10 जोड़ दिया जाए तो 30.2, जबकि भारत का क्षेत्रफल ही है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 30 लाख हो जाएगा और 32 का है ही लगभग ऑलमोस्ट 100% के आसपास आ जाएगा। फिलहाल भी 2/3 भारत का क्षेत्रफल जितना उसका 2/3 अतिरिक्त हमें समुद्री अधिकार मिला हुआ है। तो खैर ये चीजों को तो बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं, लेकिन इस चीजों की जानकारी आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ अन्य भी सवाल हैं, उन सवालों के साथ हम लोग जुड़ेंगे जब चैप्टर समाप्त होगा, नए टॉपिक के साथ हम जुड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के आप मेरा इंतजार करें, और जैसा कि हमने पहले भी प्रॉमिस किया है हम आपके सुधारों का इंतजार कर रहे हैं, जो आप सुधार देते हैं कमेंट करते हैं नीचे बॉक्स में आप दीजिए कि आप हमसे क्या क्या अपेक्षा कर रहे हैं। हमारा ये चैनल आप लोग के लिए सेवाओं के लिए है, और ये कोशिश है कि आप जितना भी चाहें जितना भी उपयोगी मैटर चाहें आप हमसे ले सकते हैं। हमारा जो संस्थान है, हमारी जो टीम है, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।